हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू फिट भारत मिशन। हमें क्रेविंग्स क्यों होते हैं उसकी 5 वजह बताने वाली हूँ, और साथ ही में आप ऐसा तो क्या कर सकते हैं ताकि आपको क्रेविंग्स ना हो या कम हो जाए। 5 रास्ते हैं, बट सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्रेविंग वो बुरी चीज नहीं है, इट इज अ साइन। सो जितनी भी बार क्रेविंग्स होता है, हमारा बॉडी हमें एक सिग्नल दे रहा है, एक फीडबैक दे रहा है, देयर इज समथिंग मिसिंग, कुछ मिसिंग है और उस पर आपको फोकस करने की जरूरत है। सो जब भी क्रेविंग हो उसे हमें धिक्कारना नहीं है, हेट नहीं करना है या उसे अवॉइड नहीं करना है। हमेशा क्रेविंग की सुनना है, बट उसके मैसेज को सुनना है। द मैसेज इज नथिंग, यू नीड टू फोकस ऑन वन पर्टिकुलर एरिया जहां आप लैक कर रहे हैं। अगर आप उस कमी को फुलफिल कर दे तो आपको क्रेविंग नहीं होंगे या धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहला मेजर रीजन जो है ज्यादातर लोगों को क्रेविंग्स होने का, वो है लैक ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब मिनरल्स और विटामिन्स की कमी जब बॉडी में आ जाती है तो बॉडी क्रेव करेगा ही करेगा कोई भी किस्म का खाना, वो ज्यादातर अनहेल्दी खाना ही क्रेव करने वाला है। बिकॉज आप इमेजिन कीजिए, आपकी गाड़ी है जिसके अंदर पेट्रोल से वो गाड़ी चलती है। सो जब आपके गाड़ी में पेट्रोल कम हो जाता है तो एक सिग्नल आता है आपके, जो ड्राइवर सीट है उनको दिखता है कि एक टंकी जो है वो खाली होने को है। सो एक लिमिट को क्रॉस हो जाए उसके बाद आपको पेट्रोल फिलअप करना पड़ता है। अब अगर आप उस वक्त वो सिग्नल को अवॉइड कर दे और आप ये कहे नहीं नहीं कोई बात नहीं है, ये तो होता रहता है, तो क्या होगा, गाड़ी बंद हो जाएगी। या आप वो सिग्नल में देखकर, भले पेट्रोल की गाड़ी है बट आप केरोसिन डाल दे ये सोच के, क्योंकि अगर ये दूंगा तो चल जाएगा, तो क्या होगा, अगेन माल फंक्शन हो जाएगा। सिमिलरली टू आर बॉडी ऑल्सो, जब हम जो उसकी जरूरत है रियल वो नहीं देते हैं और कुछ गलत केरोसिन नाम का दे देते हैं, वो अनहेल्दी पिज्जा हो सकता है या कोक हो सकता है, चाय कॉफी हो सकता है। जब भी हम क्रेव करते हैं हम अनहेल्दी चीजें ही खाते हैं। सो उसकी वजह से होगा क्या, ये गाड़ी जो पहले से थोड़ी बहुत बिगड़ रही थी वो और ज्यादा बिगड़ जाएगी जब हम पेट्रोल में के बदले केरोसिन डाल देते हैं। सो हमें क्या करना है, हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो भी है, वो कॉपर, आयरन, जिंक, विटामिंस कोई हो सकते हैं, कोई मैग्नीशियम हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, कोई ना कोई विटामिन मिनरल की कमी है, अगर आप जान सकते हैं रिपोर्ट निकलवा कर तो ग्रेट, तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली क्या क्या कमी है आपके बॉडी में। बट मैं तो कहूंगी आप सिर्फ एक ही चीज करेंगे ना तो भी आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट जो डेफिशिएंसी है वो धीरे धीरे करके आप उसे कम कर सकते हैं, और वो है जो भी सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं वो भर भर के खाइए। जितने भी कच्ची चीजें होती है, जितनी भी नेचर ने बनाई हुई चीजें होती है, उसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स इंटैक्ट होते हैं। उसे हम मिनिमली जब प्रोसेस्ड करते हैं घर पे, हम जब खाना कुक करते हैं, कम से कम प्रोसेस किया हुआ खाना, या तो सैलड के फॉर्म में या तो फ्रूट एज अ होल जब आप लेते हैं, आपका जो भी बॉडी में जो भी लैक हो रहा है न्यूट्रिएंट, वो न्यूट्रिएंट उसमें से मिल जाएगा। जो कलरफुल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं वो अलग अलग कलर के मुताबिक, अलग अलग फ्रूट और वेजिटेबल्स के मुताबिक उसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसीलिए जब आप पहले के ज़माने में देखेंगे ना, किसी को भी क्रेविंग नहीं होता था। क्यों नहीं होता था, बिकॉज वो कम से कम प्रोसेस हुआ खाना खाते थे, मैक्सिमम घर का खाना खाते थे, और क्योंकि वो खुद ही खेतीबाड़ी का काम करते थे तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह खाना उनके लिए बहुत ही आम बात थी, कच्ची चीज़ें खाना आम बात थी। बट धीरे धीरे करके हमारी, क्योंकि बिजी लाइफस्टाइल होने लगी, वेस्टर्न लाइफस्टाइल को फॉलो करना शुरू कर दिया, इसीलिए हम आज कम ऐसा खाना खाते हैं कि जो मिनिमली प्रोसेस्ड है, ज़्यादातर हम प्रोसेस्ड खाना खाते हैं, और उसकी वजह से डबल नुकसान होगा। प्रोसेस्ड खाने का कैलोरी भी बढ़ेगा, अनहेल्दी कैलोरी बढ़ने वाला है, और प्लस आपको क्रेविंग भी होगा, आपका पेट भरेगा ही नहीं। क्योंकि जब आप पिज्ज़ा खाते हैं फॉर एग्जाम्पल, अब पिज्ज़ा खाना बुरा है ऐसा नहीं है, बट आप हर वक्त ऐसी अनहेल्दी चीजें खाते रहते हैं तो वो बुरा है। वंस इन अ व्हाइल यू शुड ऑलवेज एंजॉय, क्योंकि एक लाइफ दी है तो हमें एंजॉय भी करना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बार बार सिर्फ अपने पेट को और शरीर को ऐसी ही चीजें देते रहे जो अनहेल्दी है। सो हमें दोनों का बैलेंस करना है, और उसके लिए क्या करना है, आप डिसिप्लिन रहे हफ्ते के 6 दिन या 5 दिन आपकी जो भी हेल्थ कंडीशन है उसके मुताबिक, और बाकी 1-2 दिन आप कभी चीट कर ले और कभी आपको जो पसंद है वो खाना खा ले वो चलेगा। अगर ये करेंगे ना तो आपको
क्रेविंग नहीं होगा, क्योंकि आप बॉडी को बता रहे हैं देख तुझे अनहेल्दी भी मिल रहा है और हेल्दी खाना दोनों मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं और तेरा फेवरेट चीज जो है वो भी आपको मिल रहा है। सो वो क्रेव नहीं करेगा, आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं होगी, तो आपके चांसेस क्रेविंग के बहुत कम हो जाते हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सो उसके लिए क्या करना है, जितने हो सके मिनिमली प्रोसेस्ड फूड और कच्चा फ्रूट और वेजिटेबल जो है उसे आप एवरीडे डाइट में ऐड करना शुरू कर दीजिए। सेकेंड चीज जो है मेजर वजह क्यों क्रेविंग्स होते हैं वो है लैक ऑफ स्लीप, क्वालिटी स्लीप। 7 से 8 घंटे की नींद हमें एक एवरेज इंसान को लेनी चाहिए, बट जब आप क्वालिटी डीप स्लीप नहीं लेते हैं, अब हो सकता है आप 7-7 घंटे तक सोते हैं बट उसमें आप करवटे बदलते रहते हैं और आपका डीप स्टेट ऑफ माइंड नहीं आता है जहां आपको नींद आनी चाहिए, जो डीप स्लीप का क्वालिटी है वो नहीं आता है, या विचार आते रहते हैं कुछ लोगों को, या बीच बीच में 2-3 बार बाथरूम जाना पड़ता है उसकी वजह से स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। जब ये होता है उसकी वजह से सुबह जब आप उठेंगे आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, स्पेशली ग्रेलिन और लेप्टिन। ग्रेलिन इज अ हंगर हार्मोन, लेप्टिन इज अ सटाइटी हार्मोन। तो वो दोनों हार्मोन बताते हैं आपको, एक बताता है कि भूख लगी है, दूसरा बताता है कि अब फुल हो चुका है, खाने की जरूरत नहीं है। वो इम्बैलेंस होंगे जिसकी वजह से उल्टा होगा, आपको भूख ज्यादा लगेगी और खाने के बाद भी ऐसा लगेगा कि मेरा पेट फुल नहीं हुआ, अभी तो खाया था और अभी वापस से भूख लगी। सो देखिए कि क्या आपको स्लीप पे फोकस करने की जरूरत है, अच्छे से सोने की जरूरत है, टाइम स्केड्यूल फॉलो करने की जरूरत है, कि क्या आप एक दिन 10 बजे सोते हैं, दूसरे दिन 12 बजे, तीसरे दिन शायद 2 बजे सोते हैं। सो वो टाइम आपका अगर फिक्स हो जाएगा तो आपको क्रेविंग्स नहीं होंगे या कम हो जाएंगे, लैक ऑफ स्लीप। थर्ड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, उसकी वजह से भी क्रेविंग होते हैं। यस, अब हमें ऐसा लगेगा कि मोर एक्टिविटी मींस मोर क्रेविंग्स, क्योंकि ज्यादा एक्टिविटी हो जाएगी तो कैलोरी बर्न होगी जिसकी वजह से आपको भूख लगेगी, बट क्रेविंग नहीं होगा जब आप फिजिकल एक्टिविटी रेगुलरली रखते हैं। तो जब आप बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सिटिंग टू मच कॉजेस क्रेविंग्स। क्यों क्रेविंग होगा, क्योंकि आपके दिमाग को कुछ करने के लिए है नहीं, और जब आप बैठे रहते हैं और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो जो ऑलरेडी खाना खाया ना वो खाना, आपका बॉडी इंटेलिजेंट जो होना चाहिए था जब आप एक्सरसाइज करते हैं, वो बेचारा उल्टा बेवकूफ बन जाता है, उसे पता नहीं चलता कि जो खाना आपने अभी खाया उसका इस्तेमाल कैसे करे। सो वो कुछ भी सिग्नल देते रहेगा बिकॉज इट हैज नॉट बिकम इंटेलिजेंट जो वो होना चाहिए था जब फिजिकल एक्टिविटी करे। तो आप नोटिस करेंगे जिस दिन आप एक्सरसाइज अच्छे से नहीं करते हैं और एक्टिव नहीं रहते हैं उस दिन आपको अनहेल्दी खाना खाने की इच्छा होगी, पर जब आप अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, एक्टिविटी करेंगे ना, तो आपको सही खाना खाने की इच्छा होगी, कभी भी क्रेविंग नहीं होगा। दैट इज द थर्ड थिंग। चौथी चीज है लैक ऑफ हाइड्रेशन। पानी या लिक्विड आपके बॉडी में जब कम हो जाएगा तो भी आपको क्रेविंग होने की संभावना है। तो आप देखिए कि आप पूरे दिन में क्या एटलीस्ट 2-3 लीटर्स ऑफ वाटर पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं। बहुत डिपेंड करता है आप कहाँ पर रहते हैं, सीजन कौन सा है, आपका बॉडी टाइप कैसा है, ओवरऑल आपका हाइट वेट, एवरीथिंग मैटर्स, बट ऑन एन एवरेज 2-3 लीटर्स ऑफ वाटर इज अ मस्ट फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन। और अगर आप वो इनफ पानी नहीं पियेंगे, इवन लिक्विड आप पूरे दिन में इनफ नहीं लेंगे, तो भी आपको क्रेविंग होने की संभावना होगी। सो देखिए कि क्या हर फ्रीक्वेंट इंटरवल पर, हर 1 घंटे पर आपको पानी याद करवाने की ज़रूरत है, क्या रिमाइंडर रखने की ज़रूरत है, तो वो कीजिए। और आखिरी 5वीं चीज़ जो है जिसकी वजह से हमें क्रेविंग होता है, विच इज़ लाइक वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स, और वो है मेंटल एंड इमोशनल रीजंस। जब आप स्ट्रेस में होंगे क्रेविंग्स होगा, क्यों, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब स्ट्रेस में होते हैं ना तो अंदर कुछ ना कुछ फायर फाइटिंग चल रहा होता है, जिसकी वजह से वो हमेशा कुछ ना कुछ मांगेगा, एनर्जी मांगेगा, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, उसे खाने में से। बट हम जब क्रेव करते हैं तो अनहेल्दी खाना ही हमें खाने की ज़्यादातर इच्छा होती है, स्वीट हो सकता है, सॉल्टी या फ्राइड चीज़ें हो सकती है। जब आप PMS चल रहा है उसमें भी बहुत सारे लोगों को क्रेविंग होता है, बट कैसे लोगों को होगा जो रेगुलरली अनहेल्दी ईटिंग करते हैं और अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, उनको PMS में क्रेविंग होने की संभावना है। तो अगर आप रूटीन लाइफ में हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे ना तो PMS नाम का चीज़ ही नहीं होगा आपकी लाइफ में, कभी भी क्रैम्प या पेन या क्रेविंग्स या स्पेशली आपको कुछ मीठा खाने की या तीखा खाने की इच्छा होती है कभी कभी, वो नहीं होगा। एंड मेंटल इमोशनल रीजंस में जब आपका मूड अपसेट हो जाता है तो ज़्यादातर लोगों को स्वीट क्रेविंग होता है। व्हेन यू डोंट फाइंड लव इन योर रिलेशनशिप्स, यू फाइंड लव इन योर स्वीट।
दिस इज लाइक अ मेजर रीजन. सो जब आपको क्रेविंग होता है, देखिए कि क्या आपका माइंड क्रेव कर रहा है या आपका टंग, आपका बॉडी सही में क्रेव कर रहा है. इज इट रियल हंगर और इज इट जस्ट मेंटल और इमोशनल हंगर? क्योंकि खाने के बाद भी आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ मेरी प्यार की नीड जो है वो फुलफिल हो गई है. अगर ऐसा है दैट मीन्स इमोशनल एंड मेंटल रीजन है आपके क्रेविंग का. सो ये पांच मेजर वजह है जिसकी वजह से क्रेविंग्स होते हैं. आप देखिए आपको ज़्यादातर कौन सा रीज़न एप्लीकेबल लगता है, मुझे ज़रूर चैट में भी बताइएगा कि कौन सी ऐसी वजह है जो आपको लगता है उसकी वजह से आपको क्रेविंग होते हैं. ज़रूर वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी हम फ़ायदा दे सके, ये नॉलेज वहाँ तक पहुँचा सके.